याशमिन ओन ब्यूटी से पेश आए आप सभी का ढेर सारा वाला वेलकम है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली कि आप दुपट्टा से हिजाब कैसे बांध सकते हो। मींस आजकल तो सभी हिजाब लगाते हैं बट जो इनर कैप होता है आप उसके बिना अपने दुपट्टा को एज ए हिजाब कैसे पहन सकते हो। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो सो मेक श्योर कि नीचे मेरा रेड कलर का छोटा सब्सक्राइब बटन आएगा उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन भी आएगा उसे बटन से भिजवा दीजिएगा ताकि आप लोग मेरे अपकमिंग वीडियो से हमेशा नोटिफाइड हो सको। और आप लोग को मेरे ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपना ये ब्लैक कलर का दुपट्टा लिया है और ये हमारा सॉफ्ट जॉर्जेट का दुपट्टा है और इसी से हम अपना हिजाब तैयार करेंगे। सो सबसे पहले ये दुपट्टे को हम पीछे रखेंगे। यहाँ पर लेकर के आएंगे और इधर से हम देखेंगे इतना फोल्ड कर लेंगे हम और दोनों हमारा एकदम सेम पॉइंट पे होना चाहिए। लाइक ये अगर आगे भागेगा तो फिर आपका स्टॉल तिरछा हो जाएगा और अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से भी पकड़ करके उसी के लेंथ में ले आएंगे। लाइक इतना हमने लाया सो यहाँ पर हम अपने यहाँ पर फिर आप करेंगे जिसके लिए हमें ये सेफ्टी पिन चाहिए। और अब यहाँ से हम इसे फोल्ड करते हुए लेकर के आएंगे। बॉल पिन चाहिए हमें सिर्फ एक पीस, इसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये जो हमारा था इसे हम बैक साइड में लेकर के जाएंगे। ये हमारा पहला हो गया जो हिजाब हम पहला कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोग को फेस कवर करना है सो इस पिन को हम यहाँ से हटा लेंगे। और फिर हमारा फर्स्ट हिजाब हो गया जो हम बहुत ही सिंपल है, ऐसे कोई भी वर्क कर सकता है और ये नकाब पर भी आप लोग पहन सकते हो या फिर ऐसे किसी सूट पर भी पहन सकते हो या फिर आजकल तो चला हुआ है कि आप शॉर्ट ड्रेसेस लाइक जीन्स हो गया उस पर हमारा कुर्ती हो गया और फिर ऐसे स्टॉल आप कवर कर सकते हो। उस पर आप लोग को दुपट्टा लेने में गलत नहीं हो क्योंकि ये जो लेंथ है ये आप लोग का काफ़ी नीचे तक जा रहा है तो उस पर हमें दुपट्टा या फिर कोई भी अलग से स्कार्फ लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो अब चलो हम दिखाते हैं अपना दूसरा जो कि हमारा यहाँ पर बहुत सारा रिंकल्स विंकल्स टाइप का यहाँ पर हम करेंगे। सो वो देखते हैं कि उससे हम कैसे कर सकते हैं। सो ये हमारा पहला था और अब चलो दूसरे हिजाब। और अगर हमें अपना फेस कवर करना हो तो हमें क्या करना चाहिए सो चलो देखते हैं क्या करना चाहिए। इस पिन को हम यहाँ से हटा देंगे। इसे यहाँ पर कर लेंगे अंदर साइड में। इस चीज़ को ऐसे लेंगे फोल्ड करेंगे
ये हो गया हमारा फेस कवर वाला भी। और अब चलिए अपनी तीसरे स्टाइल की तरफ चलते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट है उसके लिए दुपट्टा हमें इस तरीके से लेना है, जो हमारा ब्रेथ होता है उस साइड से लेना है, इस साइड से नहीं ले रहे हैं। सो ये हम लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इसे बैक साइड से लेंगे लाइक इस तरीके से। और अब इधर से हम लेंगे, फिर से हम ये एक पिन लेंगे। इधर से हम अपने दुपट्टा को ले आएंगे ऊपर साइड से। अभी इसका फिक्र नहीं करना है क्योंकि इसे हम लास्ट में सही करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा जॉब नंबर 3 हो गया। जो लोग जीन्स पर कुर्तीज़ पहनते हैं और वो चाहते हैं स्टॉल वॉर्कआउट करना, सो वो इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि इधर बैक साइड में हमारा ये ओपन रहता है और आगे में हमारा स्टॉल जैसा रहता है और इसका बैक साइड में हमारा यहाँ पर लाइनिंग भी हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये तीनों हिजाब का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी आपसे मुलाकात। बाय बाय।